नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर से वीडियो लेकर आया हूं, और ये वीडियो मैं खासकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद के लोगों को दिखाना चाहता हूं। भाई, अगर आप लोग पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लगे कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। ये वीडियो है स्मार्ट सिटी श्रीनगर, और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या हो गया है श्रीनगर, क्या होने वाला है और क्या था। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Drive anywhere in uptown Srinagar, especially areas of tourist interest. Right from Airport Road to Shalimar, the roads are being dug up in the city to be redeveloped. This all is being done under the city's Smart City project. While many projects have seen tremendous progress during the winter months, the authorities say they are doing their bit to complete the works in time. Work is in full swing across all proposed sites, including Residency Road, MA Road, Jhelum Riverfront, and interconnections such as the Polo View, Regal Chowk, Jahangir Chowk, and the Tsoont Kwal. With an overall budget of Rs 3000 crore, the Smart City project includes IT-related interventions, enhancing urban mobility, improving certain roads and upgrading public transport facilities throughout the city. अब देखिए, सिर्फ श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3000 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में। अगर मैं इसको पाकिस्तानी कर दूं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 लाख करोड़ हो जाएंगे। नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं होंगे ना, 3000 को आप 4 गुना बढ़ा दीजिए तो 12000 करोड़ हो जाएंगे करीब। हाँ, 12000 करोड़, या 1000 करोड़ ही मान लीजिए। नहीं, 12000 में 10000 करोड़ ही मान लीजिए। तो सोचिए, क्या मुजफ्फराबाद में, जिसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अपनी राजधानी बताता है, कैपिटल बताता है, क्या वहाँ पर ओवरऑल कभी इतना बजट रहा होगा जितना हमारे सिर्फ एक शहर का है, श्रीनगर का है। 3000 करोड़ रुपये सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, और ये काम अप्रैल मई तक पूरा हो जाएगा। 2-4 महीने और मान लो थोड़ा देरी होगी तो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट। ये नहीं कि शुरू होगा, बनाया जाएगा, नहीं, खत्म होने वाला है काम। दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग श्रीनगर ऑन अ स्केल नेवर सीन बिफोर। Thank you.
Changes like that of a large portion of the Jhelum embankment, popularly called Bund, are only further enhancing its old world charm. Bund, a mooring site of the first houseboats in the valley, has been a darling of tourists. ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाली जो तस्वीरें आपने देखी हैं, उससे जो मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को भी शायद नजर आया होगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम एकाएक यूरोप में आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको डेवलप भी उसी तर्ज पे किया जा रहा है कि जिससे टूरिस्ट अगर आएंगे तो वो देखेंगे, करे यार क्या जबरदस्त इंफ्रा है यहां पर, तो यार क्या जबरदस्त शहर को श्रीनगर को बना दिया गया है। और यकीन मानिए श्रीनगर का कायाकल्प होने वाला है, श्रीनगर की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। देखिए बिल्डिंग्स वैसे ही रहेंगी, सड़कें, पेडेस्ट्रियन, लाइटिंग, लोगों के आने जाने की जगह, साइकिल के लिए अलग से लेन, बाकी सुविधाएं वो सारी दी जा रही हैं और बहुत ही जबरदस्त ये काम कंप्लीट होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाला है ये काम। बिल्डिंग ऑफ साइकिल ट्रैक्स, लेइंग जॉगर्स पाथ्स एंड रिस्टोरिंग ओल्ड एंड फिल्थी कैनाल्स आर इन मेनी वेज अ सर्च फॉर द विंटेज ओल्ड श्रीनगर when all was so serene. काफ़ी सारे काम हैं जो चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डल के अराउंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, डल से हमारे जो है डल गेट से लेकर निशात तक का राइट, जो बोलेवार्ड का राइट वॉकवे है, निशात सत्थू के अराउंड जो वॉकवे है विच इज़ राइट थ्रू द मिडल ऑफ द डल लेक, निशात प्रिस्थिंथ का काम है, निशात से आगे जो हब्बक का जो है वहाँ लेक फ्रंट डेवलपमेंट फ्रॉम अलॉन्ग नॉर्दर्न फोर शोर, जिसमें दो लगभग 18 फीट की स्पेस इज़ बीइंग बिल्ट एट द एज ऑफ द डल लेक। फिर हमारा शालीमार कैनाल है, शालीमार प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा रेजिडेंसी रोड का रीडेवलपमेंट, एमए रोड का। तो भाई साहब आप लोगों ने अगर देखा तो आप लोगों को कुछ फील हुआ, ये जो जिनकी बातें आप सुन रहे हो वो कौन है, आपने जिनकी बातें सुनी वो उनका नाम देख लिया ना आपने कि मुस्लिम हैं और ये ऑफिसर हैं, ये श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, ये ऑफिसर हैं। तो जो आप लोग कहते हो ना कि कश्मीर के लोगों को नौकरियां, बड़े पोस्ट, छोटी पोस्टों पे जो लोग बातें कहते हैं वो देख लीजिए, ये पूरा अंडर इनके प्रोजेक्ट इनके अंडर है। इसी तरीके से जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा रेजिडेंसी रोड का रीडेवलपमेंट है। ये CEO हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी के, अतहर आमिर खान। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो इन्हीं के अंडर है, CEO हैं भाई ये, तो बड़े बहुत बड़े पद पर हैं ये। का रीडेवलपमेंट, एमए रोड का काम है, जहांगीर चौक का काम है, इसी तरीके से बटमालू, बटमालू जंक्शन है, बटमालू कमरवारी रोड, बटमालू मोमिनाबाद रोड, बटमालू में हमारा सूक एंड क्राफ्ट, सूक मार्केट एंड क्राफ्ट सेंटर वहाँ बन रहा है, दूधगंगा कनाल का काम इसी के साथ चल रहा है, अलॉन्ग विथ इट रिवर फ्रंट है हमारा जो राजबाग साइड है या जो हमारा बंड साइड है, दैट एंटायर रिवर फ्रंट इज़ बीइंग डन फ्रॉम जीरो ब्रिज टिल छत्ताबल, देन वी हैव एयरपोर्ट रोड, सो देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन। इसी के साथ हम लोगों ने जो है डाउन टाउन में शहर खास का जो एरिया है उसमें डल गेट से गोजवारा रोड दैट वी हैव टेकन अप, उस पर काम इन दिनों शुरू हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारा नौहट्टा का एरिया है, मलारटा है, बोहरी कदल, जैना कदल, महाराज बाजार, सो ऑल दोज एरियाज़ में द वर्क इज हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट्स गोइंग ऑन। इसी के साथ हमारे IT में जो है IEEE इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर का, श्रीनगर डेटा नेटवर्क जिसमें लगभग 175 किलोमीटर अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ले किया जा रहा है, सो दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज गोइंग ऑन। फाइबर ऑप्टिक वायर्स बिछाई जा रही है, फाइबर ऑप्टिक बिछाया जा रहा है। और पता है ना, पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को कितना पता है फाइबर ऑप्टिक का मतलब क्या है। फाइबर ऑप्टिक का मतलब ये है कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो भयानक तरीके से तेज़ हो जाएगी। आप सोचिए अभी मेरे ऑफिस में जो फाइबर ऑप्टिक लगा है नियर अबाउट 400 या 500 Mbps की स्पीड पे चलता है मेरा इंटरनेट, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों। तो सोचिए कि अब वो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये इंटरनेट आने वाला है, वायर बिजते ही कनेक्शन चालू हो जाएंगे और फाइबर ऑप्टिक पे इंटरनेट चलने लगेगा पूरे श्रीनगर में। डेटा 5G अलग मिल रहा है जो मोबाइल वाला है,
ये जो ब्रॉडबैंड और इसके लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने घर में लगवा रखा है, बिजनेस के लिए अभी मैंने यहाँ पे कर रखा है, मेरे घर में भी फाइबर ऑप्टिक वाला ही है, तो सोचिए कि क्या होने वाला है अभी आगे आने वाले वक्त में। इंटरनेट बिजली की रफ्तार से, pertinently, under the Smart City mission, 39 projects have been completed. Work on 34 projects is ongoing and 64 projects are upcoming. The completed 39 project complete ho chuke hain, 34 projects pe abhi kaam chal raha hai aur 64 naye projects aane wale hain Srinagar mein Smart City ke liye. Kareeb 130 projects total, aap sochiye. Projects include car parking on Residency Road, vending zone near Jahangir Chowk, variable message display screens, smart classrooms in 25 schools of the city, conservation of existing shrines including St. Luke's Church, Khankai Mohalla and Naqshband Sahib Shrine, smart health centers and illumination of bridges under the city beautification plan. जो हमारे डाउनटाउन में वी हैव ऑल्सो टेकन अ ह्यूज एरिया इन ओल्ड सिटी, जो हमारा शहरी खास एरिया में है, मैं भी उसमें काफ़ी लगभग हमारे वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू थ्री पार्ट्स, वी कॉल दोज पार्ट ए बी सी, अलग अलग एरियाज डिफाइन करके। देन वी हैव दिस डल गेट गोजवारा रोड विच इज़ काइंड ऑफ मेन एंट्री इनटू द ओल्ड सिटी, देन वी हैव नालेमार रोड विच कनेक्ट्स आवर ओल्ड सिटी विथ द बटमालू साइड। सो इन सभी प्रोजेक्ट्स को भी ऑलरेडी जो है दे आर ऑन आर ट्रैक, बट यस जो है इस समय क्योंकि ओल्ड सिटी में हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेन्स आर नैरो, सो वहाँ पे एकदम से जो है फुल सभी जगहों पे काम शुरू करना इज़ नॉट दैट एडवाइजेबल, उनको हमने उसी तरीके से फेस किया हुआ है। सो कहीं कहीं पे वी हैव टू डू रीटेंडरिंग अगेन, दो एक दो बार रीटेंडरिंग करने की ज़रूरत पड़ी थी, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो अब फुल ओल्ड सिटी में भी जो है फुल फ्लेज्ड काम अगले कुछ दिनों में इट विल अगेन स्टार्ट इन फुल 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 वे। Srinagar's metamorphosis from a physically ravaged city in the 90s is also taking place across the swathe of its markets, like once congested Batamalu. Some gutted remains of the buildings, including the city's oldest cinema hall, like Palladium, notwithstanding. This has been done, after very thoughtful planning. सब चीज़ें बड़ी planning के साथ ही की गई हैं। Now, one way, एक तरीका ये हो सकता था, पहले एक काम हो जाए फिर दूसरा काम हो जाए, that would have taken a lot of time. So, time भी जो है हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो, टाइमली ये कम्प्लीशन हो, प्लस हर किसी प्रोजेक्ट की अपनी टाइमलाइन है, ओवरऑल मिशन की अपनी एक क्लोजर है, अपना एक टाइमलाइन है, दीज ऑल हैव टू बी कम्प्लीटेड बिफोर दैट। सो इसीलिए जो काम शुरू किए गए हैं इनको मिशन मोड में ही शुरू किए गए हैं, फास्ट ट्रैक मोड पे ही किए गए हैं काम, दिन रात जो है दैट आई थिंक इट्स इन अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ द वर्क दैट इज़ हैपनिंग इन द सिटी राइट नाउ।
इसी के साथ भी इन शॉर्ट कि विंटर में भी चलाइकलान में भी सभी जगहों पे हमारे जो है काम चलता रहे. दैट्स हाउ मुझे लगता है काफ़ी जो है अभी तक प्रोग्रेस जो हमारी टाइमलाइंस है वेल अहेड ऑफ आवर टाइमलाइंस इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव. हर कोई प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इंडिविजुअल टाइमलाइंस है. तो लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो दो तरह की टाइमलाइंस है. एक हमारे जो टेंडर्स में टाइमलाइंस है. सो दे दोज टाइमलाइंस एक्सटेंड अप टू अराउंड एंड ऑफ दिस ईयर. सो कुछ किसी प्रोजेक्ट का दे गो ऑन टू द अर्ली नेक्स्ट ईयर. बट मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स का इट इज़ बाई द एंड ऑफ दिस ईयर. लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स दे आर कम्प्लीटेड वेल बिफोर दैट. Over the past 4 years, many trendy malls have come up together with the renovation and refurbishing of the rundown establishments, issuing forth a new vivacious city. Some term it a physical push towards normalcy. The administration is making every effort to draw the city out of its blood-soaked past and giving it a modern look. जिस हिसाब से जो विजन है इन सभी प्रोजेक्ट्स का या जिस तरीके से इंटीग्रेटेड प्लानिंग की गई है, आवर सेंस इज दैट देयर शुड बी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिटी. कि जितने भी एरियाज एबीडी सीबीडी एरिया जहाँ पे हमारे मेजर इंटरवेंशंस हैं, दोज शुड लुक विजिबली डिफरेंट. वहाँ पे पीपल, इट शुड बी वेरी ईजी फॉर पीपल टू वॉक, इट शुड बी वेरी ईजी फॉर पीपल टू एंड आर ट्रेड फटर्निटी टू यू नो हैव डू देयर बिजनेसिस देयर. इसी के साथ हमारी सिटी का ट्रैफिक फ्लो स्मूथ होना चाहिए. हमारे जो स्काईलाइन है दैट शुड बी प्रॉपर. हमारे यहाँ हैफजर्ड जो चीज़ें हैं दे शुड नॉट बी देयर. दे शुड बी मेनी मोर पब्लिक प्लेसेस वेयर पीपल कैन कम सोशलाइज एंड एन्जॉय. सो ब्रॉड मुझे लगता है वंस दीज प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लीट देर वुड बी विजिबल एंड रिमार्केबल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द सिटी इज़ गोइंग टू लुक लाइक एंड हाउ the city is going to serve its people. मुझे लगता है श्रीनगर जैसे शहर में इसके लिए जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होता है NMT में साइकिलिंग होता है और वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिक आइडिया ये रहता है जितने भी शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं, 1 किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर जाना है, यू शुड बी एबल टू वन शुड बी एबल टू वॉक और साइकिल इन द सिटी. जो है अब लंबे डिस्टेंसेज ऑफकोर्स यू वुड नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू वुड नीड व्हीकल्स टू डू दैट, बट शॉर्ट डिस्टेंसेज शुड बी एक्सेसिबल एंड दे शुड बी अवेलेबल. सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर के लिए, ख़ासतौर पर एक टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी के लिए. या जो जिस तरीके की कॉलेज हमारे श्रीनगर सिटी में है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वॉकिंग और साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना. इट इज़ बोथ, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द ब्रॉडर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और सिटीज फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिटी में लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल. इस में लगभग मुझे लगता है द इंटरवेंशन दैट स्मार्ट सिटी इज डूइंग, वी आर अपग्रेडिंग द नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स वॉकिंग एंड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर एंड अराउंड 100 किलोमीटर्स इन द सिटी. लगभग 100 किलोमीटर आसपास हमारे शहर में है जहाँ पे देर वुड बी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन द वॉकिंग एंड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी. The upcoming projects under the Smart City Mission include smart bus stops with passenger systems, real-time water quality monitoring system, multi-level parkings, etc. A pleasing
aesthetically developed Srinagar is attracting tourists in thousands, which in turn is helping the local economy. Slowly and steadily, a naya Srinagar is surfacing and no one is complaining. Syed Muhammad Burhan for Kashmir Observer. चलिए दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने, वीडियो अंग्रेजी में था लेकिन तस्वीरों को देखकर, बाकी चीज़ें देखकर और जो सीईओ साहब अतर आमिर खान कह रहे थे वो हिंदी में भी बता रहे थे, तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई श्रीनगर में हो क्या रहा है। और भाई पाकिस्तान के लोगों, जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि 10 लाख 11 लाख की फ़ौज जो है वो श्रीनगर में और कश्मीर में मौजूद है, आप मुझे बताओ इतनी बड़ी वीडियो थी, आपको कहाँ कहाँ फ़ौजी नज़र आए हैं? नज़र आए तो भाई ढूंढिए और देखिए। और आपको नॉर्मल ट्रैफिक दिख रहा होगा, लोग आते जाते दिख रहे थे। एक जगह मुझे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए, बल्ला उनके हाथ में था, पता नहीं खेल के आ रहे होंगे जा रहे होंगे, बल्ला हाथ में नजर आया। काम बहुत तगड़े तरीके से श्रीनगर में चल रहा है, डाउनटाउन में भी अपटाउन में भी। इसका मतलब ये हुआ कि नया श्रीनगर आपको बहुत जल्द दिखने वाला है। और यकीन मानिए पाकिस्तान के लोगों, ऐसी डेवलपमेंट आपके पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर तो भूल जाइए, वहां तो खैर कुछ ही नहीं, ऐसी डेवलपमेंट कि जो ऐसे डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो शायद आपके लाहौर में भी नहीं होगा। 130 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें सड़कें, पेवमेंट, साइकिल के लिए अलग से जगह, पैदल चलने के लिए अलग से जगह, स्मार्ट बोर्ड्स, स्मार्ट सिटी, फाइबर ऑप्टिक केबल, बस मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर, रियल टाइम वाटर क्वालिटी चेकिंग सिस्टम। आप सोचिए कि आने वाले दिनों में श्रीनगर कितना ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। और इसका फायदा किसे होगा? वहां के लोगों को होगा, वहां के बिजनेसमैन को होगा, वहां के कारोबारियों को होगा। डल लेक के आसपास का आपने इलाका देखा, कितनी खूबसूरत तरीके से उसे डेवलप किया जा रहा है। अब सोचिए कि जो टूरिस्ट रिकॉर्ड अभी बन चुका है वो रिकॉर्ड अगले ही साल मुझे लग रहा है फिर से टूटने वाला है, क्योंकि बहुत जबरदस्त टूरिज्म आने वाला है इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद, इस तरह की डेवलपमेंट को देखने के बाद। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो एक शहर को डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? सीवर सिस्टम डाला जा रहा है, नया सीवर सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगले एक साल में आप देखेंगे, एक साल क्या, 6 महीने में आप देखेंगे श्रीनगर की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई। जो 75 ईयर्स में श्रीनगर नहीं दिखा वो पिछले 3 साल में दिखने लगा है। ये चौथा साल चल रहा है 370 के एब्रोगेशन के बाद। और ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, धीरे धीरे बाकी सिटीज भी डेवलप होंगी, क्योंकि श्रीनगर कैपिटल है इसलिए इसे पहले डेवलप किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब इंफ्रा आएगा, इंफ्रा बढ़ेगा, सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। G20 की मीटिंग्स होने वाली है वहां पर, वहां से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वहां के लोग देखेंगे ग्राउंड पर कि एक्चुअली रियलिटी में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में जो तस्वीर दिखाई जाती है कि जी जुल्म और सितम की इंतहा पार हो गई है और ऐसा हो गया है और वैसा हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और हर एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर यह वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि यह वीडियो दिखाओ आप लोग। मैं तो इसे कहूंगा कि ये जो है वो डेवलपमेंट मिसाइल फायर की गई है श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के लोग देखें कि इस मिसाइल का असर क्या हो रहा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।